नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डेली मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित शाम के 5 बजे वाली टाइमिंग में करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 25 देखा था, साइड माई बटन वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से आप जाकर के वीडियोज में देख सकते हैं। सेट नंबर 26 आज हम देखेंगे। स्टार्टिंग के जो 40 प्रश्न है वो आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, जिसको वीडियो के सबसे लास्ट में हम देखेंगे। 41 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और 120 तक हमारे जीके जीएस के प्रश्न चलेंगे। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर से 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो इनमें से कौन सा होता है? तो जड़ अंकुरित होती है, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया आप जानते हैं, ये कंटेनर में भरकर पानी आप उसमें भिगो देते हैं, बाद में उसको किसी कपड़े सूती वस्त्र में जो है वो रख देते हैं लपेट के, तो अंकुरित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रुधिराणु मतलब आपसे व्हाइट ब्लड सेल्स WBC पूछा गया, तो 20 दिन से भी कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपका सही होगा। केंद्रक युक्त होता है, अमीबा के आकार का होता है, वर्णक विहीन होता है ये, और WBC आकार में RBC से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो बड़ी होती है, और अगर संख्या में बात करेंगे तो WBC संख्या में RBC से कम होती है। दोनों वैल्यू कंपैरिजन करके याद रखिएगा। एक रुधिर कैंसर आपने सुना होगा, तो ल्यूकीमिया कहते हैं, WBC की जो संख्या होती है उसमें बढ़ जाती है, और जो ब्लड का रेड कलर आपको देखने को मिलता है, लाल रंग, तो वो किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन आपका हो जाएगा। मैंने बताया था जो लंबे समय तक उपयोग में आ रहे हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब पारंपरिक स्रोत के या परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत दोनों में डिफरेंस को एक लाइन में समझिए कि जो गैर नवीनीकरण बताया मैंने, जो सीमित मात्रा में होते हैं वो पारंपरिक में आ जाएंगे, और गैर जो पारंपरिक होते हैं वो असीमित मात्रा में होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, और हेली राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका जाना जाता है। स्थापित कब किया गया था? 1936 में। तारीख क्या थी? 8 अगस्त की। और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, भारत का तो है ही, एशिया का भी। और इसका नाम कब बदला गया था? तो 1954-55 में इसका नाम बदल करके रामगंगा रखा गया था, पहले रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो रखा गया था। फिर दोबारा से जब नाम बदला 1955 से 56 के बीच में, तब इसका नाम जो रखा गया था वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो रखा गया था। तो ये दोनों में अंतर है। लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, रेड डाटा बुक सुना है ना आपने, वही पूछा गया। तो आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर लुप्त प्राय पौधे और जो जानवर होते हैं एकदम उनकी प्रजाति खत्म होने के कगार पर होती है ना, उनको हम रखते हैं रेड डाटा बुक में। इनमें से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भृंग जो आप देख रहे हैं ये सामाजिक कीट नहीं है। होता क्या है, ऐसी प्रजातियां जो समाज में रहती हैं और 3 विशेषताएं होती हैं, एक समूह एकीकरण की, एक श्रम विभाजन की, और एक पीढ़ियों के ओवरलैप की, ये विशेषताएं होती हैं, वो सब आपकी आती है सामाजिक कीट में। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, चींटियां, दीमक, मधुमक्खी, तो ये सब सामाजिक कीट में आती है, जैसे समूह में रहती है तो समूह एकीकरण हो जाता है, तो इसी प्रकार से तीनों विशेषताएं उस पर मैच करनी चाहिए। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं, इनमें से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो कौन नहीं रोकती है? यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का अगर छिड़काव करें तो आप कहेंगे मच्छरों का प्रजनन को नहीं रोकती है। वैसे ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रजनन तो इससे रुकेगा ना, ये होना चाहिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है वो पूछी गई है मच्छरों के प्रजनन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मच्छर पैदा हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उसको कौन इनमें से नहीं रोकता है? तो मच्छरदानी तो आपका आपको बचाती है ना मच्छरों से, वो प्रजनन थोड़ा नहीं रोक रही है। कूलर का पानी को आप कम से कम 2 सप्ताह बदल लें तो वो जो लार्वा होता है उसमें नहीं पनप पाता है, ठीक है।
तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाली जाती है जो लार्वा को खा जाती है, ये भी बढ़िया है। और पानी इकट्ठा होता है तो तेल का छिड़काव करने से क्या होता है, तेल हल्का होता है तो पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो इस कारण से जो पानी में लार्वा है वो नहीं आ पाता है, तो ये भी एक कारण होगा, मतलब सी वाला ही होगा यहाँ पर आंसर। अगला देखते हैं, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण जो है इसको कहा जाता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। और इसमें भी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, अगर वहां पर वेग में परिवर्तन में दो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, में से कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता है, तो सुअर जो होता है वो जुगाली नहीं करता है, और सुअर पालन जो देव होता है उसको कहते हैं पिगरी के नाम से, पिग से ही शब्द बना है पिगरी। सुअर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है स्क्रोफा डोमेस्टिक्स, स्क्रोफा डोमेस्टिक्स। अगला देखते हैं, अच्छा भैंस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दूध में वसा की मात्रा तो 7 से 9% और प्रोटीन की मात्रा 10 से 11%। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो इसको मॉल्चिंग कहते हैं, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और मॉल्चिंग मिट्टी की नमी का संरक्षण हो, मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है ना उसमें सुधार की बात हो, या खरपतवार के विकास को कम करना हो, इन सब में आपका हेल्प करती है मॉल्चिंग। कंपोस्ट जानते ही होते हैं, खाद होती है जो आपके जैसे गोबर वगैरह उनसे बनाई जाती है। अगला है कि किसका वंश नाम कुकु कुकुरबिता करके है, तो कद्दू आलू बैंगन टमाटर आंसर हो जाएगा आपका, कद्दू का वंश नाम जो है। अगर बहुत डिटेल में पूछ लिया तो कद्दू दिवस भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। अब जैसे आलू जो है इसका वंश का नाम क्या है, तो सोलेनेसी इसका वंश का नाम है, लिख देते हैं सोलेनेसी जो है इसके वंश का नाम है। और केवल इसी का ही नहीं है, सोलेनेसी जो है आपका बैंगन लाल मिर्च टमाटर इन सभी कुल का जो है आपका कुल का नाम जो है सोलेनेसी है, तो इसमें ये वाला बैंगन भी आ जाएगा तो ये वाला टमाटर भी आ जाएगा, सबके कुल का नाम सेम है। इसी प्रकार और भी हैं, जैसे कि नारियल का तो पालमी करके होता है, लहसुन प्याज का लिलियेसी करके होता है, इनमें से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषताएं कह रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पहला ही कथन आप देखेंगे कि एक अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है, ये आपका कथन गलत है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी का जो है वो कहते हैं, पेडागॉजी अलग होता है, इसमें PEDOLOGY करके स्पेलिंग आपकी रहती है। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर 2016 को संपूर्ण विश्व में मृदा दिवस जो है वो आपका मनाया गया था। अगला कह रहा है, विकासवाद का सिद्धांत इनमें से किसने जो है वो दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा जो है वो दिया गया था विकासवाद का सिद्धांत। इनकी पुस्तक क्या है, द ओरिजन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है वो अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई बराबर MC², ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित है ये समीकरण, सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित। मैडम क्यूरी जो है इन्होंने रेडियम की खोज जो है वो की थी। इनमें से कौन सा नियम ये कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम, आंसर आपका बी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका जो प्रायोगिक मान है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो उनका नाम मैंने बताया था हेनरी कैवेंडिस करके थे, हेनरी कैवेंडिस करके जिन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक था उसका प्रायोगिक मान सबसे पहले दिया था। और इसको लेकर के फॉर्मूला भी आपका है, जब बात होती है F बराबर G m1 m2 / r², G वहां पर एक नियतांक होता है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो कौन सा वो विज्ञान है, एनाटॉमी
बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शरीर की संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है। जीवित जो चीज होते हैं उनके संरचनात्मक संगठन से आप कह सकते हैं संबंधित होता है। और एक जुटॉमी शब्द होता है, जुटॉमी शब्द का यूज किया जाता है जानवरों को संदर्भित करने के लिए। अगला कह रहे बंगाल टाइगर को कौन से वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका 1972, 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को चुना गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। उसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम तो न्यूसी फेरा गार्डन करके है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है। उसका नाम पावो क्रिस्टेटस करके है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, उसका क्या है, पेंथरा टाइग्रेस करके। ये सब नाम आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए, वो है आपका राष्ट्रीय नदी, तो कौन सी नदी है, गंगा नदी है। कब घोषित किया गया था गंगा नदी को, तो 2008 में घोषित जो है वो किया गया था गंगा नदी को, किस रूप में, राष्ट्रीय नदी के रूप में। और गंगा जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, वो किया गया था 2009 में, यानी इसके जस्ट एक साल बाद। अगला देखते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है डॉल्फिन का, तो प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक ये जो है उसका नाम हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर आपका होता है, करा चुके हैं क्वेश्चन, जीवाणु बैक्टीरिया आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी साइट्रस कैंकर कैंसर जो है वो याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है, कौन सा नहीं है, ट्रेसीना जो आप देख रहे हैं ना ये जहरीला पौधा नहीं होता है, ड्रैगन ट्री जो है उसके रूप में जाना जाता है, और बाकी सभी आपके जहरीले पौधे जो है वो होते हैं, इसमें पार्थोनियम, नेरियम, कैलोट्रोपिस। अगला कह रहे हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं, तो ये आपका तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन तंत्रिका तंत्र के एक और भाग होता है, टोटल तीन भाग होते हैं, एक होता है साइटोन, एक होता है डेंड्रॉन और एक होता है आपका एक्सॉन। तो यहाँ पर जो नहीं लिखा है वो आपका साइटोन नहीं लिखा है, तो उसको भी आप याद रखिएगा साथ में, साइटोन भी जो है इसमें होता है। अगला देखते हैं, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का यूज किया जाता है, तो बिटुमिन पहला ऑप्शन, बिटुमिन का यूज जो है वो किया जाता है। डाबर जो है, उस डामर जो नहीं होती है सड़कों पर बिछाई जाती, उसी को ही बिटुमिन के रूप में जाना जाता है, तो आपने डामर वर्ड सुन रखा होगा, तो वही आपका ये होता है। अगला देखते हैं, खाज या एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के इनमें से किस भाग से होता है, तो खाज त्वचा से संबंधित रोग है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। किससे होता है खाज, तो स्कैरिस एकेरिस इसके बीज से होता है, नाम लिख देते हैं क्योंकि बता भी चुके हैं वैसे, एकेरिस इसके बीज ये जो है आपका होता है। और ये क्या है, ये एक प्रकार का कवक है, होता क्या है इसमें, त्वचा में खुजली होती है, सफेद दाग टाइप के पड़ जाते हैं, और कवक से होने वाली बीमारियों में अगर देखेंगे तो दमा रोग होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से आपका दमा रोग होता है, एथलीट फ्रूट नामक रोग भी दमा से जो होता है, और उसका रोग का वाहक क्या होता है, तो टीनिया पेडिस नामक कवक होता है, एक गंजापन होता है वो टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। अगला देखते हैं, 61 देख लिया हमने, 62, इनमें से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका जलाना। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उनको जलाने से आप कहेंगे वो स्थायी तरीका नहीं होता, रिसाइकलिंग कर लें या भस्मीकरण कर लें या भूमि में भराव कर लें, वो सारी चीजें आपकी हैं, जलाना नहीं। बाकी अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शीत रक्तक यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है, तो खरगोश इसमें जो है वो शीत रक्तक प्राणी में नहीं आता। होते क्या है, ये बेसिकली उन जानवरों को हम कहेंगे जिनके शरीर का टेम्परेचर वो अपने अकॉर्डिंग नियंत्रण कर सके, बाहरी पर्यावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को जो टेम्परेचर बदल लेते हैं वो सब इसमें आते हैं। शीत रक्त प्राणी को भी तीन टाइप में वर्गीकृत किया जाता है, एक एक्टोथर्मी,
बाहरी वातावरण के तापमान के अनुसार शरीर का जो तापमान बनाने, जैसे सरीसृप। एक होता है पाइक्लोथर्मी, जिसका टेम्परेचर आसपास के माध्यम से तापमान में भिन्नता होती है, तो वो उतार चढ़ाव होता रहता है, जैसे मेंढक या कछुआ। और एक होता है ब्रैडी मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है, जो किसी के शरीर के प्रदर्शन पर डिपेंड करता है, जैसे कीड़े, तो अलग अलग पर अलग अलग डिपेंड करता है। मानव शरीर के सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः डैश और डैश हैं, तो कौन सी हैं? आंसर की बात करते हैं, रकाब स्टेपीज, इंग्लिश में नाम सुना होगा आपने, और फीमर नाम सुना होगा जंगास्थी, हिंदी के नाम नहीं, इंग्लिश के जरूर आपने सुने होंगे, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कान में होती है आपकी स्टेपीज, और सबसे छोटी हड्डी जो है वो आपकी होती है। कान में होती कितनी अस्थियां हैं? तो टोटल 6 अस्थियां जो है कान में होती हैं, जिसमें मैलियस 2 होती हैं, इनकस 2 होती हैं, और स्टेपीज 2 होती हैं। इस तरीके से होती हैं। बाकी चीजें थोड़ा सा अगर रिवाइज आपको कराएं, तो मांसपेशियों को, अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। और अगर हम अस्थियों से अस्थियों को जोड़ को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। और अगर मनुष्य के शरीर की बात करते हैं तो अस्थियों में क्या जरूरी होता है? कैल्शियम चाहिए होता है, कैल्शियम की मात्रा का संतुलन चाहिए होता है, और पैराथायराइड ग्रंथि जो है उसका नियंत्रण भी जरूरी होता है। और जो बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो अस्थियों का विकास का जो केंद्र होता है वो कार्टिलेज होता है। देखते हैं कि जन्म के समय अस्थियों की संख्या ज्यादा होती है बच्चे में, फिर वो समय के साथ जुड़ जाती है, और उसके बाद उसकी अस्थियों की संख्या 206 हो जाती है। अगला कह रहे हैं, इनमें से कार्य कौन सा है जो मेडुला आमलोगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? छींकना जो है ये नियंत्रण नहीं करता है, बाकी तो सभी नियंत्रण करता है। वैसे छींकना क्यों? ताली बजाना होगा ना, छींकना तो करेगा, ताली बजाना नियंत्रण नहीं करता, ठीक है? तो मेडुला ऑब्लॉगेटा के द्वारा ताली बजाना नहीं होगा, बाकी खांसना भी है, छींकना भी है, उल्टी करना भी। बताया था मैंने कि जो मानव मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा होता है, पिछला भाग होता है, वो होता है मेडुला ऑब्लॉगेटा। पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं, और पना किसका होता है? तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लॉगेटा का मिला करके जो है हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है वो बना होता है। जितनी भी आप देखेंगे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारे बस में नहीं होती, वो सभी आपकी इसी से ही आपकी संतुलित होती है, उसके लिए जिम्मेदार होती है। जैसे हृदय का धड़कना, हम तो धड़का नहीं रहे तो अपने आप ऑटोमेटिक, ऐसे श्वसन है, ऐसे उल्टी आना, ऐसे ही रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो होता है, और खांसना, छींकना, ये सारी चीजें इसमें आपकी आ जाती हैं। सेरिबेलम भी पूछा जाता है, सेरिबेलम अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका जो काम होता है वो ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ये जो मेडुला ऑब्लॉगेटा है ये अनैच्छिक से संबंधित है, और जो सेरिबेलम है वो आपका ऐच्छिक। ऐच्छिक के अलावा दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, तो ये भी कि जो संतुलन का काम करता है सेरिबेलम ही करता है, संतुलन का काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का, वो भी यही जो है वो करता है। और दोनों पाए किसमें जाते हैं? तो पश्च मस्तिष्क में। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ठोस को आसानी से संपीड़ित लिखा है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठोस ऑलरेडी ठोस होता है तो उसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते। बाकी सभी सही है, जैसे ठोस के आकार को बदलना मुश्किल होता है इसलिए कठोर होते हैं, ठोस के अधीन होने पर ठोस टूट जाता है, और ठोस का एक निश्चित आयतन होता है। अगला देखते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन हमारे अब तक हो चुके हैं वीडियो से, जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है आपसे पूछा गया है? तो कौन सा नहीं है? रतौंधी जो है इसमें आनुवांशिक रोग में नहीं आता है। रतौंधी की बात करते हैं तो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है ये आपका होता है। वर्णांधता रोग आपने सुना है, तो ये जो होता है ये आपका कलर ब्लाइंडनेस इसी को कहते हैं, आंखों में रंग जो प्राप्तक संकु होती है उसकी कमी के कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस। और लाल हरा जो वर्णांधता होता है वो सबसे आम टाइप की वर्णांधता में आता है, मतलब आपको पहचानने में दिक्कत आती है। उसके अलावा रतौंधी जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें रात में आपको नहीं दिखाई देता, रात में देखने पर परेशानी आती है। और विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से ये सारे होते हैं रोग, तो आपको ये विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था, किसने अलग किया था? तो फ्रेडरिक मिसर करके जो नाम आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा।
डीएनए की फुल फॉर्म होती क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या होती है? ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। द्विखंड कुंडलित संरचना जो है किसने दी थी डीएनए की? तो वो दी थी वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने जो है द्विखंड कुंडलित जो संरचना थी वो दी थी। डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम होता है कि जो भी आपके आनुवांशिक जो गुण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वो ले जाने का काम। अब देखते हैं ना, कहते हैं इनके लक्षण माता पिता से मैच कर रहे हैं, आंखों का रंग मैच कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें होते हैं, अलग अलग फैक्टर, तो डीएनए इसमें मेन रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 69 की अमाशय की पीएच श्रेणी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1.5 से लेकर 2.0 के बीच आपकी ये होती है। पीएच का मान कम होना अम्लीयता प्रदर्शित करता है। अच्छा, पित्त रस का कितना होता है पीएच वैल्यू? तो 7.7 होता है। पित्त रस का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.7 आपको देखने को मिलती है, और अमाशय की पीएच श्रेणी 1.5 से लेकर 2 के बीच में। इनमें से किसका सही सुमेलित आपसे कह रहा है? नहीं है। तो किसका सुमेलित नहीं है? तृणभक्षी गौण उपभोक्ता आपका लिखा हुआ है, ये आपके यहाँ पर गलत है। जीव और वातावरण का जो अध्ययन किया जाता है पारस्परिक अध्ययन, वो इकोलॉजी में किया जाता है। और उपभोक्ता 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आ जाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में जो प्राथमिक को खाएं जैसे लोमड़ी भेड़िया, और द्वितीय उपभोक्ता को जो भोजन के रूप में ग्रहण करें वो तृतीय में आ जाएंगे जैसे बाघ या शेर। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या कवक और जीवाणु, सीधे सीधे कहिए। अगला कह रहा है टिटनेस नामक रोग इनमें से किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस आपका लॉक झा कर, लॉक जा करके जो आप देख रहे हैं ये आपका सही होगा। ये रोग होता किससे है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से जो है ये रोग होता है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सीटी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से आपका ये बैक्टीरिया से जो ये रोग है वो होता है। इसमें होता क्या है? इस रोग में गर्दन, चेहरा और जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें पक्षाघात होता है, मतलब शरीर अकड़ जाता है आपका। होता किससे है टिटनेस? तो अगर कोई लोहे की चीज लग जाती है आपके, जैसे चोट वगैरह लग गई और वो मेन आधार बनता है, इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन उस जब भी लगा है उसके 6 महीने के अंदर आपको लगवा लेना चाहिए। बाकी अगर बात करते हैं डीपीटी की, तो वो बच्चों में लगता है डीपीटी, तो इस जो रोग है उसके निवारण में ही हेल्प करता है। और अगर अंग प्रभावित करके पूछा जाता है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इस चीज को भी याद रख सकते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है आपका प्रभावित होता है इसमें टिटनेस में। बाकी बैक्टीरिया से होने वाले रोग में हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, वो आपको रटे होने चाहिए। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए, तो आपका पहला ही सही हो जाएगा जिसमें मुख, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छिद्रांत और उसके बाद ब्रैदरा। इस क्रम से जो ये चलेगा, यानी कि जो भोजन होता है पाचन का सबसे पहले मुख में जाता है, फिर ग्रसिका में, फिर अमाशय में, फिर छिद्रांत में, फिर ब्रैदरा। अच्छा, आहार नाल की कुल कितनी लेंथ होती, लंबाई होती है? तो 33 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। भोजन को डायरेक्ट पूछा जाता है कि मुख में लेना क्या कहलाता है, तो अंतर ग्रहण जो है वो कहलाता है। अब अमाशय में भोजन का जो पाचन होता है कौन से माध्यम में होता है? तो अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति जो है इसकी रहती है। और जब बात होती है छोटी आंत की, तब भोजन क्षारीय माध्यम में आ जाता है। यहां पर आपका अम्लीय रहेगा और बाद में आपका क्षारीय में आ जाएगा। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो आपका ये कच्चे आमों में पाया जाता है, अंगूरों में पाया जाता है, तीसरा और चौथा यहाँ पर जो है वो होगा। नींबू या संतरा में कौन सा पाया जाता है? तो नींबू या संतरा में आपका साइट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो है आपको देखने को मिलता है नींबू या संतरा में। टमाटर में आपका क्या होता है? तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड जो है आपको देखने को मिलता है। इमली में क्या होता है? इमली में आपका टार्टेरिक अम्ल जो है आपका होता है, और इसमें लगभग सब। सिरका भी पूछा जाता है तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। सेब में आपका जो है मॉलिक एसिड जो है वो आपका होता है। दही जो है उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ। बाकी यांत्रिक ऊर्जा
के अलावा अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के इसके टाइप होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उसी टाइप के आधार पर ही प्रश्न में पूछा गया है कि इसको क्या कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपका, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए तो धनात्मक होना चाहिए, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई जो होती वो, और पटे में वस्तु की जो लंबाई होती वो। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो इनमें से कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने कब आपका प्रारूप समिति का गठन किया था? प्रारूप समिति भी कहते हैं इसको, या फिर आपका ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, या फिर आपका मसौदा समिति भी कहते हैं। तो इसी के तीनों नाम है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी या मसौदा समिति भी। तो इसका जो गठन था वो हुआ था 29 अगस्त 1947, ये इसका जो है वो समय था। पूछ लिया जाता है किसके द्वारा और कब, दोनों चीजें। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इनको मिला करके कुल कितने लोग थे? तो टोटल 7 लोग थे, और सातों के नाम ऑलरेडी हम मैराथन और इतिहास में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 1902 में सियाब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ कब था? 1902 में, तारीख थी 11 अक्टूबर को, और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है, लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? हरसु दयाल श्रीवास्तव। माता का नाम क्या था? फूल रानी देवी। और इनके बचपन का नाम क्या था जयप्रकाश नारायण जी का? तो बाउल जी था, बाउल जी। अगला कह रहा है, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो स्लेट किस प्रकार की चट्टान के अंतर्गत, तो स्लेट आपकी एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान में आती है, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और अगर इनके तीनों के एग्जाम्पल हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आग्नेय में आती है, कौन सी अवसादी में आती है, और किसका रूपांतरण आपका रूपांतरित चट्टान के रूप में होता है। भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य बिहार और झारखंड आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है, अगर अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग आप तो देखेंगे अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में आंध्र प्रदेश, और अभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तो राजस्थान का नंबर जो है वो आता है। अभ्रक का यूज किसमें किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में यूज किया जाता है, और इसकी विशेषता अभ्रक की होती है कि कुचालक भी होता है विद्युत का, और ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक। हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर है? तो आपका ये महानदी पर जो है वो स्थित है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध, और लंबाई इसकी है 4800 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जब बात होती है तो टिहरी बांध जो सबसे ऊंचा बांध है, और ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। और कौन सी नदी? तो भागीरथी नदी। सारी चीजें बता चुके हैं, केवल रिवाइज करा रहे हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 206.5 मीटर की ऊंचाई। और अगर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ लिया जाए तब आपका आंसर बदल जाता है। जब गुरुत्वीय बांध की बात होती है उस कंडीशन में आपका नाम आ जाता है भाखड़ा नागल बांध का। भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपका कहाँ पर है? तो पंजाब में है, और कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। और भारत का सबसे पुराना बांध अगर पूछ लिया जाए तो वो कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी पर आपका नाम जो है उसका वो है कल्लनई करके, का आदिला पुरीला ना और ई, कल्लनई जो आप देख रहे हैं ये सबसे पुराना बांध में आता है, कावेरी नदी पर है, और तमिलनाडु के अंतर्गत ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे देश को कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं हम नार्वे को, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। नार्वे को जो है वो कहा जाता है, और एक वर्ष की अवधि के दौरान दोनों ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें बारी बारी से 6 महीने तक लगातार दिन होता है और 6 महीने तक लगातार रात होती है। नार्वे को उत्तरी गोलार्ध में यूरोप महादेश में स्थित एक देश के रूप में जाना जाता है जहाँ लगातार 6 महीने दिन होता है, मार्च से सितंबर महीना जो होता है उसमें। और सूर्य का देश भी कहते हैं क्योंकि नार्वे में मध्यरात्रि के समय भी सूर्य जो है वो दिखाई देता है इस कारण से। जापान को क्या कहते हैं? जापान को कहते हैं उगते सूरज का
देश ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप। सारे याद रखने हैं आपको। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले ने जो है की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। कहां पर की थी? तो पुणे में जो है वो की थी। कब की थी? तो 1973 में जो है वो की थी। तारीख क्या थी? 24 सितंबर की। उद्देश्य इनका यह था कि जो वंचित वर्ग है उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। ज्योतिबा फूले की पत्नी जो थी उनका नाम क्या था? सावित्री। इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई, और इन्होंने ही भारत की पहली शिक्षिका होने का गौरव भी प्राप्त किया था। तो सावित्री नाम भी याद रख सकते हैं, सावित्री बाई पूरा नाम जो है वो था। स्वामी विवेकानंद की जब बात होती है तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भीमराव अंबेडकर जी जानते हैं आप सभी लोग कि इन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1924 में, हितकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन, पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा इनमें से किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो दिया था। और 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही जो है वो की थी। अब की थी 1875। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर जो है इनका वास्तविक नाम था। और बाल विवाह, जाति प्रथा, महिलाओं के साथ भेदभाव, ये सब निषेध था, कुरीतियों का इसमें मतलब विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? तो ये आपका ह्वेनसांग आया था। हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, बता चुके हैं, चीनी यात्री था। बौद्ध धर्म का ज्ञान, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्तियां, प्राप्ति जो होती थी ना उसको लेने के लिए आप कह सकते हैं भारत आया था। ह्वेनसांग ने भारत का यात्रा वृत्तांत भी लिखा था जिसका नाम क्या था? सी यू की। तो भारतीयों के बारे में उसने यहाँ पर बताया। अगला, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली के अंतर्गत पड़ता है। और वैशाली शॉर्ट में लिख भी देते हैं यहाँ पर, शॉर्ट में क्या वी लिख देते हैं पहचान में, वैशाली में हुआ था। जन्म हुआ कब था? तो 540 ईसा पूर्व में जो है वो हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जो ये हुए थे। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? तो ऋषभ देव का नाम देखने को मिलता है। अगला है, महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में जो है वो हुआ था, और वर्तमान में ये नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोदन था। और महावीर स्वामी जी का उधर आप जब बताया था तो उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, वहां सिद्धार्थ, यहाँ शुद्धोदन, अंतर ऐसे याद रखिएगा। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। एक चीज ध्यान देने वाली है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यही सेम नाम उनके पिताजी का नाम था, तो ये दोनों में अंतर में कंफ्यूज ना हुई। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में, धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहते हैं। अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सब चीजें बता चुके हैं, रिवाइज करा दिया। अगला, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 2003 में जो है इसको सम्मिलित किया गया था। इसको लेकर के सारे मैंने आपको सन बताए थे, 92 का संविधान संशोधन जो 2003 वाला था उसमें मैथिली, डोबोडो, डोगरी और संथाली, इन चार भाषाओं को शामिल किया गया था। मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं, और 22 भाषाओं में 71वां संविधान संशोधन भी हुआ था जिसमें आपका जो 1992 वाला था उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था नमक करके, जो ट्रिक बताई थी। और जो 21वां संविधान संशोधन 1967 वाला हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। लिख मैं इसलिए कुछ नहीं रहा हूं क्योंकि अलग से हमने संविधान की मैराथन करा रखी है, उसमें सारी चीजें बता रखी हैं। जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का जो संबंध है वो किससे है? 1857 के विद्रोह से है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो रहे, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, इसलिए पता होना चाहिए। पहली बार रहे थे 1968 में ये,
और 1969 में जो है 13 दिन के लिए, और 1971-72 में 7 महीने के लिए रहे थे। तो इस प्रकार से 3 बार ये बने। और अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक शपथ वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने सर्वाधिक शपथ ली है, वो है 8 बार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पटना में जो है इनका जन्म हुआ था। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी इनके द्वारा जो है वो की गई थी। बाद में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। तो ज्यादातर खालसा पंथ जो है वो पूछा जाता है। 5 ककार भी इसमें आते हैं, केस है, कंघा है, कृपाण है, कच्छा है और कड़ा, ये 5 आते हैं जिसको अनिवार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सासाराम में किसका मकबरा है? तो किसका मकबरा है? शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और फरीद खां को शेर खां की उपाधि जो दी थी वो मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी ने जो है वो दी थी इनको शेर खां की उपाधि, एक शेर को मारने के कारण बता चुके हैं। अगला है, और बाकी भू राजस्व की दर इन्होंने एक तिहाई कर दी थी। शेरशाह आपके कोर्स में है बिहार के, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बिहार राज्य का पुनर्गठन कौन से वर्ष में हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था। तो ये आपको समय पता होना चाहिए। और बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही तो बिहार के अलग प्रांत के रूप में गठन हुआ था। बिहार का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है, ये आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला आपका, जिसन यात सेन किस देश से संबंधित है? तो ये आपका चाइना से जो है वो संबंधित है। सन यात सेन चीन का एक राष्ट्रवादी है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि आधुनिक चीन के निर्माता के रूप में भी चाइना में जाना जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में ही हर दिसंबर 10 दिसंबर की तारीख है उसको विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने को लेकर तय किया था। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, मुख्यतः शीतकालीन महीनों में जो है वो प्राप्त करते हैं। शीतकालीन या लौटता मानसून भी कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कौन प्रवालों से निर्मित है? तो प्रवालों से कौन निर्मित है? आप कहेंगे इनमें से लक्षद्वीप जो है वो प्रवालों से निर्मित है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑंड्रेट द्वीप है। राजधानी क्या है लक्षद्वीप की? तो कवरत्ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करते हैं तो उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इनमें से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो सभी के सभी स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो। सह्याद्री भाग जो है वो किसका है? तो सह्याद्री भाग आपका पश्चिमी घाट का है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। पश्चिमी घाट की जब बात होती है तो जैव विविधता में सबसे प्रमुख आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। छोटा नागपुर का पठार आपका विस्तृत है, तो वही पूछा गया कहाँ कहाँ। तो आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर झारखंड। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में, और मालवा का पठार पड़ता है मध्य प्रदेश में। राजमहल पहाड़ियां जो छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा जो है उसको बनाती है। अगला देखते हैं 101 प्रश्न। 100 क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट। वीडियो से जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य जो है वो करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बालाजी स्टेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 101 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित महीनों में से कौन है जो कि एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना जो है वो आपका है? तो कौन सा इनमें से हो जाएगा? जून का महीना आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य उत्तरायण होता है, और बिहार जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकता है, इसी के कारण आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा हो जाता है और रात सबसे छोटी हो जाती है। अगर 22 दिसंबर की तारीख की बात होती है तो सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटी होती है, कई बार बता चुके हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, उत्तरी वाली। और 23.5 डिग्री अगर बात करते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा की तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी मकर रेखा कहलाती है। निम्नलिखित नदियों में से, और बीच वाली जो होती है वो भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा उसे कहते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर आपका पटना जो है वो आपका स्थित है।
और गंगा नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। गंगा की अलग अलग सहायक नदियां भी हैं, जैसे दाहिने ओर से जो मिलती हैं वो यमुना है, सोन है, पुनपुन है, और बाएं ओर से जो मिलती है उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इतनी चीजें आपको पता है तो गंगा नदी से क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। बाकी वो सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले के क्वेश्चन में कि गंगा बिहार में कहाँ से, किस जिले से प्रवेश करती है, ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, तो कौन सा हो जाएगा? क्षैतिज समान अर्ध भागों में। भूमध्य रेखा सेंटर से जाती है ना, तो वो आपके आधे भागों में बांटेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर के आपकी बहती है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका गंगा नदी हो जाएगा। यहाँ पर भी गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर के जाती है? तो आप कहेंगे गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के जो है वो आपका जाती है। और अगर बात करते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं, तो बक्सर जिला है, भोजपुर जिला है, सारण जिला है, पटना जिला है, वैशाली जिला है, समस्तीपुर जिला है, बेगूसराय जिला है, मुंगेर जिला है, खगड़िया जिला है, कटिहार जिला है, भागलपुर जिला है और लखीसराय। ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस जिले से होकर के गंगा नदी नहीं जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर जो है बिहार में है। और अगर बात करते हैं टोटल लंबाई कितनी है पूरे भारत में, तो 25-25 है, ये आपको पता है, 25-25 करके किलोमीटर ये टोटल भारत में। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर आपका हुआ था? तो कहां पर हुआ था, ये आपका हुआ था ऋग्वेद में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में आपका हुआ था। गोत्र की अवधारणा सबसे पहले कहां से आई है? उत्तर वैदिक काल से जो है वो आपकी आई है। अगला क्वेश्चन आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक भी है। अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं, देखिए वही सब प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं घूम घूम के। आपको मैंने बताया था कि बिहार में 1940 का टाइम था जब आपका एक व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में कौन थे? तो श्री विनोबा भावे जी जो है वो थे, और जो दूसरे सत्याग्रही थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो थे। और अगर बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में, तब आप जाएंगे श्री कृष्ण सिंह के साथ, नहीं तब जब आप जाएंगे, आपको मैंने जो स्टार्टिंग के नाम बताया उसमें व्यक्तिगत वर्ड लगा रहेगा, पर पहले सत्याग्रही पूछेंगे तब श्री कृष्ण सिंह के साथ जाएंगे, तो ये दोनों में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो आपका क्या हो जाएगा, सभी के सभी, चाहे आप कहें कि परिसंपत्तियों का निर्माण करना हो, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना हो, जल प्रबंधन। कौन से अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आंसर हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख, जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो है वो किया गया है। और देव नाम प्रियदर्शी, ये अशोक का एक्चुअल में नाम था, अभिलेखों में अगर बात आपसे की जाए तो। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसमें अशोक मौर्य नाम से उल्लेखित जो है वो किया गया है। सबसे छोटा अभिलेख, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, तो रुम्मनदेही जो अभिलेख है ये सबसे छोटा अभिलेख में जो है वो आपका आता है, अलग शिलालेख नहीं, अभिलेख की अगर बात हो। अगला देखते हैं, और हाँ एक चीज क्वेश्चन बताई थी मैंने कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो उनका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। ये नाम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता दिया, रिवाइज करते रहिए, याद आपको है 1837 का टाइम था। बार बार बाढ़ आने का मेन कारण क्या होता है? तो वो कारण आपका हो जाएगा मृदा अपरदन भी, वनोन्मूलन भी, नदी जल का गाद भी, सभी। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन सा है? तो मासिन राम आपका हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है? तो मेघालय राज्य के अंतर्गत जो है ये आपका देखने को जो है वो मिलता है। और गारो खासी जो जयंतियां हैं उसकी पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली हवाएं होती है ना, वो ज्यादा वर्षा करती है। यही एक कारण भी होता है कि मासिन राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कितने सेंटीमीटर होती है, तो आप कहेंगे 1,141 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो यहाँ पर होती है। विश्व का सबसे सूखा ठंडा स्थल कौन सा है? तो बर्कोयास्क करके है। अगला क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है ना बर्कोयास्क करके, ये आपका पूरे विश्व का सबसे सूखा ठंडा स्थल के रूप में जाना जाता है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो आपका 2006 2007 आपका ऑप्शन ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। बिहार देश में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रसिद्ध बैस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो फ्रांस आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कब होता है ये? तो 14 जुलाई को होता है अगर हम बात करते हैं बैस्टिल डे परेड की। बाकी जो घोषणा हुई थी वो मई 2023 में हुई थी। द हैरम्बी फैक्टर ये किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो ये श्री गुरजीत सिंह जो आप देख रहे हैं इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। अगला कह रहा है आपका, अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया? तो कब कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा अबेई करके। किस क्षेत्र में? अबेई क्षेत्र में किया गया। अगला है, फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कौन से नाम से किया गया? तो स्विच EIV22 करके जो है इस नाम से किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो ये था रेना बरनावी करके। मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो संपन्ना रमेश सैलार जो है इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था। 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुवती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो ये आपका 11,304 जो है वो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैथ देखते हैं। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो निशा दहिया ने जो है ये रजत पदक जीता था 68 किलोग्राम वर्ग में। वापस से लौटते हैं मैथ के प्रश्नों की तरफ, जहां पर 1 से 15 तक मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है इस तरीके से। इसका तरीका ये होता है, या तो आपकी यहाँ पर कोई वैल्यू हो जो आपकी सीधे सीधे वर्गमूल में निकल करके आ रही, तो इधर से साइड से आप हल करते हुए चलते हैं। अगर ऐसा नहीं है कुछ, तो आप क्या करिए कि इसको x के बराबर मान लीजिए, और x के बराबर मानने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, जो सबसे बाहर वाली वैल्यू से ये जो वर्गमूल लगा है वो हट जाएगा, यानी एक तरफ x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 6, और प्लस में आपका पूरा जो अंडर रूट 6 और प्लस ऐसे करके रूट रूट में वैल्यू चल रही ना, वो ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी ये है हमने जो एक्स माना है, अब यही वैल्यू वैल्यू उठा के यहाँ सीधे सीधे रख दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 और प्लस, और यहाँ वाद से ऊपर से वैल्यू उठा करके हमने एक्स रख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो एक बन गया है, इसको हम एक समीकरण के तौर पर निकाल करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू एक साइड कर लें, 6 को भी इस साइड कर लें, बराबर 0 के कर दें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 6 को यहीं ब्रेक भी कर लेते हैं, तो 6 को 3 और 2 में काट तोड़ सकते हैं, 3 - 2 करके, और साथ ही साथ पहले 6 एक लाइन बढ़ा देते हैं, फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए x को आप उधर लाएंगे तो x हो जाएगा, 6 को उधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक, अब ये इसको देखिए, यहाँ पर जो x वैल्यू दे रखी है हम क्या करते हैं, 6 आना चाहिए गुणा करने पर, और यहाँ उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी x स्क्वायर को ऐसे रखें, x को किस प्रकार से चेंज करें, तो x को हम क्या लिख सकते हैं 3x - 2x ये लिख सकते हैं, क्योंकि 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें नंबर का मल्टीप्लाइड भी बराबर लाना होता है, और बराबर माइनस में 6 तो आपका ऑलरेडी था, और बराबर में 0 आपका आ जाएगा। बाकी इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ वाली जो वैल्यू है देखिए, ये वाला जो वैल्यू रखेंगे माइनस ब्रैकेट में रखेंगे, ये बाहर माइनस लगा है, जब खुलेगा तो अंदर वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यानी अगले स्टेप में आपका एक्स स्क्वायर होगा और माइनस और 3x होगा, और प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 तो था ही, बराबर में आपका 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x अगर कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो x बचेगा, और 2 × 3 = 6 x - 3 बचेगा और बराबर हो जाएगा 0। x + 2 एक तरफ लिख लीजिए और x - 3 एक तरफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। x + 2 का मतलब x एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू -2 आएगी, और x - 3 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो 3 वाला ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को समझ पाए ना कि x - 3 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और इसी प्रकार यहाँ से तो -2 आएगी, तो आप माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये होता है इसको करने का तरीका। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, क्या इसको करने की कोई शॉर्ट ट्रिक होती है? बिल्कुल होती है, वो भी जानते हैं।
शॉर्ट ट्रिक का खेल ये होता है कि जो 6 अंडर रूट में वैल्यू आपकी लिखी हुई है, आपको ये देखना होता है कि ये वाली जो वैल्यू है 6 वाली, इसको आप तोड़ दीजिए तो किस में टूटेगा, 2 × 3 में टूटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, यहां पर आपको देखना है प्लस है कि माइनस है। आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है। इन केस अगर प्लस है तो उस कंडीशन में आपका जो बड़ी वाली संख्या है वो आंसर हो जाता है। अगर प्लस है तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो ये आंसर हो जाता 2। बस इतना सा इसका ट्रिक है, 1 सेकंड में आप अंतर बता सकते हैं। प्लस होता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाता है छोटी, और जब चिन्ह माइनस का होता है तो छोटी वाली संख्या। अब इसका सीन ये होता है कि कई बार क्वेश्चन को आगे बदल दिया जाता है, इस तरीके का सेम है तो कर ले जाएंगे, बदल दिया गया तो फिर आप कहेंगे अरे ये तो हमने कुछ और रटा था, इसलिए बेसिक तरीका जानना जरूरी है। अगला देखते हैं, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है आपकी कितनी होगी। तो इसके अंकों की संख्या आपकी है कितनी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, आधी हो जाती है, 4 आंसर हो जाएगा। वर्गमूल में जो संख्या है वो आधी हो जाती है। एक्स वह का सबसे बड़ा बड़ी संख्या इनमें से पूछा गया है, जिसमें 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका समान हो जाए। जब भी ऐसे 3 नंबर दिए होगा, वो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति, तो सबसे पहले इन तीनों का आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी कि 2003 का 903 से डिफरेंस निकाल लीजिए, और इसके बाद अगला 1673 वाला है, इससे 2003 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 903 2003 का 903 से निकाला और 1673 से निकाल लीजिए, और इसी प्रकार 1673 का 903 से निकाल लीजिए। तीनों का जो डिफरेंस आएगा बस उसका ही आपको लेना होगा एलसीएम। जैसे एबीसी होता है ना, तो एबी का डिफरेंस, बीसी का डिफरेंस, सीए का डिफरेंस, वही तीनों निकाल लीजिए। तो 2003 में से 903 घटाएंगे तो आ जाएगा 1100, 2003 में से 1673 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 330, और इसी प्रकार 1673 में 930 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 770। अब इन्हीं तीनों का आपको सीधे सीधे ले लेना है क्या, एल सी एम की एच सी एम, तो आप कहेंगे एच सी एफ जो है वो तीनों का ले लेना है। तीनों का एस सी एफ लेंगे तो क्या वैल्यू निकल करके आएगी, तो तीनों का एस सी एफ निकालने के लिए वैल्यू आपकी 110 निकल करके आएगी। 110 जो निकल करके आएगी, अब इसी में ही ये जो वैल्यू निकल कर आई, ये सबसे बड़ी संख्या निकल करके आई। अब आपसे कह रहा था प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे, तो एक्स वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपको एक्स्ट्रा निकालना है, यानी आप इसी 903 को उठा करके इस 110 से कर दीजिए डिवाइड, अगर जो बचेगा शेषफल वही आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 903 को आप रखेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, कितना आएगा 88 आपका आएगा, और साथ ही साथ 0 आएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका शेषफल 23 जो है वो बचेगा, 23 ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपको ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में 23 ही बचेगा आपका, क्योंकि यही पूछा ही गया था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको विभाजित करना, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 अंक की जो संख्या है उसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 ज्यादा है, ठीक है। आगे कह रहा है एक संख्या उसके अंकों का गुणनफल भी दे रखा है, 826 संख्या इनमें से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, जैसे पहली लाइन को ही आप रख करके देख लीजिए, कह रहे ना 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। अब जैसे बी ऑप्शन को ले लीजिए, 55 और 60 में कौन सी 2 अंकों की संख्या का अंतर होगा, क्या 55 में 5 और 5 का अंतर, तो 0 हो जाएगा, 56 में 1 का अंतर होगा, 57 में 2 का, 58 में 3 का, तो 59 वो संख्या होगी जिसमें आप देखेंगे इन दोनों अंकों का डिफरेंस कितना होगा, 4 का होगा। यही तो कह रहा था, 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 ज्यादा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 ज्यादा है, 5, 6, 7, 8, 9, 4 ज्यादा है। यही सेम चीज आप बाकी ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, 45 से 50 में देखेंगे तो 49 हो जाएगा, इसी प्रकार 60 से 65 में देखेंगे तो आपको कोई संख्या देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी तो कह रहा है कि इकाई का अंक ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे 59 को हम चेक करें तो ये कह रहा था कि संख्या और उसके अंकों का जोड़, तो 5 और 9 का टोटल क्या होगा, 5 और 9 का टोटल आपका होगा 14, तो इसका टोटल 14 और जो 59 है इसका गुणा, इन दोनों का जो गुणा है वो किसके बराबर होगा, 826 के बराबर होगा, जो कि है, तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यही चीज एक्स मान के भी कर सकते थे आप,
एक दहाई का अंक मानते हैं, इकाई का अंक मानते हैं, एक संख्या मानते हैं, फिर अंकों को बदलते हैं, फिर उसे समीकरण बनाते हैं, उससे एक्स की वैल्यू आती है, उससे आप निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं हैं 12,906 और 14,818, इसका मासा 478 दे रखा है, लासा क्या होगा? फॉर्मूला पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो लासा आपको निकालना है और मासा आपको ऑलरेडी दे रखा है 478। ये वैल्यू बटे में ले जाइए 478 वाली और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा सीधे। कितना आएगा? आंसर आ जाएगा आपका सी वाला। अगला देखते हैं, दो संख्याएं, यदि संख्याएं इसके आरोही क्रम में आपसे कह रहा है लिखा रखा जाता है, सही व्यवस्था क्या होगी? इसका तरीका ये होता है कि जैसे रूट में वैल्यू 9 करके ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो जो अंदर वाली वैल्यू 9 है या आप जो घातांक दे रखा है सबसे पहले क्या कर लीजिए, उसको बराबर कर लीजिए। घातांक को यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 3 को बराबर करने के लिए आप देखिए 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखिए 3 घातांक में 4 है और 6 है, इनका एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। यानी घातांक में सबको 12 बना लीजिए, 3 को 12 बनाना है तो 4 से गुणा कीजिए, 3 को अगर 12 बनाना है तो 3 गुणे 4 कीजिए और पावर में भी आपको 4 का ध्यान रखना है कि अंदर जो 9 लिखा हुआ है इसके भी घातांक में आपको जो भी आप गुणा कर रहे हैं वो रखना पड़ेगा, अभी वो तो बराबर होगा, यानी यहाँ 4 रखिए। उसके बाद यहाँ 20 के लिए भी सेम ही कंडीशन, अब 4 को भी 12 बनाना है तो क्या करेंगे, 4 गुणे 3 करेंगे, 4 तिया 12, तो 20 के अंदर भी आप सेम चीज 3 घातांक में चढ़ा देंगे। इसी प्रकार 25 के लिए भी करेंगे, तो 25 में 6 है तो 6 दुना 12 और आपका अंडर रूट में 25 के पावर में भी 2 चढ़ा देंगे। अब इसको आप खोल लीजिए, 4 तिया 12 है तो पावर में 12 और 9 की घात 4 कितनी होती है, तो आपकी होती 6561 करके। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 तिया 12 है तो 12 पावर में और 20 का क्यूब क्या होता है, तो आपका 8000 होता है। इसी प्रकार यहाँ भी 6 दुना 12 है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। आप क्या बता नहीं सकते हैं इसमें संख्या कौन बड़ी कौन छोटी, क्योंकि घातांक तो सब में बराबर हो गए, तो इसमें 625 वाली जो आप देख रहे हैं ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी आपकी ये है और सबसे बड़ी ये है। प्रश्न में आरोही क्रम ही तो पूछा गया था, तो सबसे छोटी ये है जो कि 25 स्क्वायर ये वाली है, क्या कहते हैं, 25 के जो घातांक में 6 आपका लिखा हुआ है, यानी पहला ऑप्शन, और इसमें भी डी में भी है। उसके बाद नंबर 9 वाले का आ रहा है, 9 इसमें है, डी आंसर होगा, समझ गए ना, पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका और तीसरा नंबर इसका। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 और ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, ए लिख दिया और किसी काम को कर लेता है 9 दिनों में, बी किसी काम को कर लेता है 12 दिनों में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालिए तो टोटल काम निकल आएगा, टोटल काम हो जाएगा 36 जो कि इनका एलसीएम है, एक दिन का काम निकालिए, 9 चौक 36 होता है और 4 यूनिट पर डे आ गया। इसी प्रकार 12 तिया 36 तो 3 यूनिट पर डे आ गया। ठीक, अब क्या रहा है कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और ए पहले काम करता है, ए पहले काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा, और उसके बाद बी करेगा तो अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा तो आपका 3 यूनिट काम होगा। इसी क्रम से चल रहा है 4 3 7, यानी वो 7 यूनिट काम कंप्लीट कर लेते हैं कितने दिनों में, 2 दिन में। कोई समस्या नहीं होगी आपको इस बात को समझने में। पहले दिन ये करता है ए 4 यूनिट, फिर दूसरे दिन बी करता है 3 यूनिट, दोनों मिलकर 7 यूनिट कर लेते हैं 2 दिन में। अब काम पूछ क्या रहा है, तो ए पहले अगर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, काम है कितना, टोटल 36 काम है, 7 से 36 पर आपको जाना है, तो 7 का 35 तक नजदीक जाएगा 5 से गुणा करके, 7 को अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो 35 कंप्लीट काम हो जाएगा, और ये कितने दिनों में होगा, 2 को भी सेम फिर 5 से गुणा करना पड़ेगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 दिनों में आपका 35 काम जो है कंप्लीट हो जाता है। और हमें काम चाहिए कितना, काम हमें 36 चाहिए, यानी कि 10 के अगला जस्ट दिन जो होगा वो भी आपका लगेगा। ठीक है, अब ये भी समझिए कि एक काम कर कितना रहा था, तो 4 कर रहा था, ए जो है जो काम कर रहा था वो 4 कर रहा था, और पर काम अब आपका बचा कितना है, बचा तो एक ही है। अगर 11वें दिन आप देखेंगे तो 11वें दिन एक्चुअल में तो काम एक का आएगा और एक कर लेता है 4 काम, बचा तो केवल 36 के लिए एक ही दिन, एक ही काम है यूनिट की अगर बात करें तो, यानी एक चौथाई वर्क आप कहेंगे रह गया है, तो यानी इस जो वैल्यू आपकी 35 दिन तक की हमने निकाली 7 5 35 करके,
इसी में ही आपका 10 दिन जो था इसमें एक चौथाई और जुड़ जाएगा, यानी कि 10 दिन के साथ साथ एक चौथाई और हो जाएगा, तो 10 सही 1/4 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला देखते हैं, वाई का मान बताओ। यदि पी की वैल्यू 2, -3 है, क्यू की वैल्यू भी दे रखी है, तो कह रहा है कि इसके बीच की दूरी भी 10 दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 / 2, वो डायरेक्ट लगा दीजिए, वहां से वाई की वैल्यू आपकी एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, उससे निकल आएगी। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला है आपका दूरी का निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है आपका, ये अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y1 प्लस, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस, y2 का होल स्क्वायर। दूरी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और दूरी जो है होती है वैल्यू, उसमें भी वर्गमूल हटाने के लिए आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो इधर भी वर्ग कर देंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से वर्गमूल जो है वो हट जाएगा। x1 की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है, और x2 की वैल्यू जो है वो 10 दे रखी है। ये x1 y1 x2 y2 इस तरीके से रखते हैं, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -3, और माइनस में ही वैल्यू आपका वाई और इसका होल स्क्वायर। वर्गमूल हट गया दोनों पक्षों का वर्ग करने से, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 y करके। यहाँ से समीकरण जो बनेगा वो वाई स्क्वायर प्लस 6x 6y -27 = 0। यहाँ से आप समीकरण से निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, एक -9 आएगी और एक +3 आएगी, तो प्लस वाली वैल्यू आप लेंगे, यानी आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना भी बताया था ना कि 0 के बराबर रख देते हैं, सेम वही 27 के रूप में चेंज कर लेना है 6y को, वहां से कॉमन ले लेंगे वाई को, दोनों तरफ की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 6.20, ये वाला क्वेश्चन करा चुके हैं कि जो 6.20 प्रति किलो चावल है, और 7 रुपये 7.20 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, इस 6.50 रुपये प्रति किलो हो जाए। इसको घटाएंगे इससे, इसको घटाएंगे इससे, सेम क्वेश्चन आ चुका था, तो इसको घटाएंगे इधर, तो इधर वैल्यू निकल कर आएगी 0.70, और इधर घटा करके वैल्यू आएगी, इधर घटा करके आएगी 0.30। ये दोनों जो वैल्यू है इनका रेशियो निकाल लीजिए, दशमलव से दशमलव काट देंगे तो 7:3 इसका इसका रेशियो जो है आपका आ जाएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन 10 है, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं, 20-30 अंकों से वो फेल हो जाता है, और कह रहा है किंतु दूसरा विद्यार्थी 20 अंक उसको मिलते हैं। समझिए कि एक परीक्षार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं, एक और 30 अंकों से फेल हो जाता है, अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, यही तो कहने का मतलब है। किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिलते हैं, और न्यूनतम उत्तीर्णांक में से 42 अंक उसको ज्यादा मिलते हैं, अगर उसको 42 में से घटा दें तो वो पास के बराबर हो जाता है, यही तो कहने का मतलब है। कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई। अब वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, तो इससे हम प्राप्तांक निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में वो पेपर था कितने नंबर का। फिर उसके बाद जो न्यूनतम अर्हतांक यहाँ पर पूछा गया है कि 5% कितना था, तो 5% निकालने के लिए पहली वैल्यू दे रखी है, इससे ही आप वैल्यू निकाल लीजिए और उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। समझिए कैसे करेंगे, देखिए ये चीज एक समझ में तो आ गई होगी ना, एक परीक्षा एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% नंबर मिलते हैं, 30 अंक से फेल हो जाता है, मगर 30 नंबर कहने का मतलब अगर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक। और यही सेम कंडीशन यहाँ कि दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लाता है, और जितना पासिंग मार्क्स है उससे ज्यादा नंबर 42 लेके आता है, तो अगर हम इसमें 42 घटा दें तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर होगा, तो दोनों पासिंग मार्क्स को एक तरफ बराबर कर लिया, 32 इधर है 20 इधर है, 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट के 12% हो जाएगा, और 12% की वैल्यू कितनी की आ जाएगी, 42 माइनस का उधर है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं 72%, 72 के नंबर के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू 12 * 72 6 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 600 के बराबर आपका हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था, टोटल 600 नंबर का हुआ था। अब दूसरी चीज निकालिए आपकी कितने पर पासिंग थी, तो आपका जो
यहाँ पर पहला पहला विद्यार्थी था वो 20% नंबर ला रहा था और साथ में 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी इस 600 का अगर हम 20% निकाल लें, किसी दूसरे कलर से लिख देते हैं, अगर हम इस 600 का जो है वो हम 20% निकाल लें तो कितना होगा, 20% निकालेंगे, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 6 दूना 12 120 आया, और इसी में 30 नंबर और जुड़ जाते, इसी में अगर 30 नंबर और जुड़ जाते, यही तो लिखा था 20% में अगर 30 नंबर और जुड़ जाते तो 150 नंबर अगर वो बच्चा पा जाता तो वो बच्चा पास हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 150 का इस 600 से परसेंटेज निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा पासिंग मार्क्स कितना था, समझ पाए ना मेरी बात को। तो आपको कुछ नहीं करना है, 150 का बटे में रखिए 600 और गुणा कर दीजिए 600, गुणा कर दीजिए किससे, 100 से, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क्स कितना था। तो 00 से 00 काट दीजिए, 6 से काटना चाहें तो 6 से भी काट सकते हैं, तो कुल मिलाकर के 25% आपका आएगा, क्योंकि 150 बटे 6 आपका 25% होता है, आंसर आपका यहाँ पर 25% जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है काफी, तो याद रखिएगा। एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत 0.75 सेंटीमीटर जो है वो था, 7 दिनों की, ये तो एवरेज वाला है, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 7 दिनों की औसत वर्षा कह रहा है कि शनिवार के दिन कोई वर्षा नहीं हुई, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को क्रमशः ये वर्षा दर्ज की, शुक्रवार को कितनी वर्षा हुई। तो सबसे पहले तो पूरी जो वर्षा 7 दिनों वाली दे रखी है वो कितनी है, 0.25 करके है, तो 0.25 से अगर गुणा करेंगे कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर के आएगा 1.75 सेंटीमीटर, ये पूरे 7 दिनों का आ गया, 1 2 3 4 5, तो 5 दिनों का जो पूछा गया है एवरेज दिया गया वो 0.4 ऐसे करके दे रखा है, तो इनको जोड़ लीजिए, 0.4, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 0.3 करके, उसके बाद 0.45 करके, 0.27 करके और 0.5 करके, इन सबको जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1.65 करके आएगी। ये जो वैल्यू निकल करके आई ये कितने दिन की है, ये 5 दिन की है, 5 दिन की। अब 5 दिन का भी एवरेज निकाल लीजिए, वैसे तो एवरेज निकालेंगे क्यों, क्योंकि ये तो वैल्यू अलग अलग दे ही रखी है, तो आप सीधे घटा दीजिए और जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो शुक्रवार वाले से, कह रहा था ना शुक्रवार को कितनी वर्षा हुई वो यहाँ पर अलग हो जाएगी, यानी कि 1.75 में से 1.75 में से 1.65 इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 1 यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1.0 यानी 0.1 आंसर आएगा, बी वाले में दे रखा है। आप अच्छा एक चीज ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो 5 दिन था, यहाँ पर 7 दिन था, और यहाँ पर तो केवल शनिवार का, यहाँ पर तो केवल शुक्रवार का पूछा गया था, एक दिन कहाँ गया, तो ये लिखा हुआ है शनिवार को कोई भी दिन वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए तो आपका जो बचेगा वो केवल शुक्रवार ही बचेगा, वही एक्स्ट्रा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 1296 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है, 19% की हानि का मतलब क्या है, 100 में से 19 घटाइए कितना होगा, तो आपका 100 में 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो आपका 81 हो जाएगा, यानी आपसे कह रहा है कि 81% की वैल्यू 1296 के बराबर है, 18% की वैल्यू, 18% नहीं 81%, हाँ 81% की वैल्यू जो है वो आपकी 1296 के बराबर है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1296 बटे में आपका 81। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 19% का लाभ अगर कमाना है, यानी 119% की वैल्यू पूछी गई है, 119% की वैल्यू निकालने के लिए 1296 बटे में आपका 81 गुणे में आपका 119, सीधे आंसर आ जाएगा 1904 करके, आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। 275 मीटर लंबी ट्रेन वाले समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति आपसे पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को जोड़ लीजिए, समय से डिवाइड कर दीजिए, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 275 मीटर लंबी ट्रेन है वो, प्लस उसके अलावा कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने समान लंबाई का प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म भी उतना ही लंबा है, और समय कितना है, 33 सेकंड है, तो 33 रख दीजिए, यहाँ पर वैल्यू सेकंड में है, यहाँ पर मीटर में है, और वैल्यू पूछी गई किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 18/5 से आप गुणा भी कर दीजिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद 1900
9036 से 7 वर्षों के बाद 11484 जो है वो हो जाती है। तो कितने साल का अंतर है, 3 से 7 के बीच 4 साल का अंतर है, और 4 साल में अंतर कितना आ रहा है, 11084 से 9036 के बीच वो घटा लीजिए, तो आपका 4 वर्षों का जो अंतर आ रहा है साधारण ब्याज का वो आपका आएगा 2448। ये आया कहाँ से, तो 11484 में से 9036 को हमने डिफरेंस निकाला। और ये जो 4 वर्ष आया ये कहाँ से आया, क्योंकि 7 वर्षों का दे रखा था और 4 वर्षों का दे रखा था, तो इन्हीं का डिफरेंस, नहीं 4 और 3, 7 और 3 दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है और 7 वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष का हमने निकाला है। अगर 4 वर्ष का हमें पता चल गया कि 1 वर्ष का नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं 2448/4 करिए, काटेंगे किससे, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, अब पूछा क्या गया, 612 तो आ गया, उसी धनराशि को उसी ब्याज दर पर 3 से 1/3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, 3 3 9 1 10/3, तो 6 612 का 10/3 निकाल लीजिए, कलर चेंज कर देते हैं, तो 10/3 निकाल लीजिए, तो इससे वैल्यू निकल करके सीधे सीधे 2040 रुपया आ जाएगा, जो कि आपका आंसर डी वाले में दे रखा है। 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात का मतलब है कि 2 को आप 6 से गुणा कीजिए और 11 से गुणा कीजिए, और सेम यहाँ पर 3 को आप 11 और 2 से गुणा कीजिए, उससे मान निकल आएगा, 2 × 6 × 11 और अनुपात में 3 × 11 × 2, जो पहला वाला नंबर है उसको, और जो दूसरा वाला नंबर है उसको, इधर गुणा कीजिए कितना आएगा, इधर गुणा करेंगे तो 6 × 12 और 11 करेंगे तो 132, अनुपात में 66, इसको और शॉर्ट करेंगे तो 2:1 आएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन सभी समाप्त हो गए, अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। कह रहा है 45 का संबंध 36 से है, 63 का संबंध किससे होगा, और साथ ही वीडियो में जो लोग बाद में जुड़े हों लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। बाकी कोशिश हम हमेशा ही कर रहे हैं बिना कोई फॉर्मेलिटी के, मैथ और रीजनिंग में समय इतना लग रहा है फिर भी सारी चीजें करा रहे हैं। बाकी हम ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले सेट में मैथ और रीजनिंग छोड़ करके केवल जीके जीएस वाला पोर्शन ही कराएं, और उसकी जगह अगर सेट की संख्या बढ़ा सकते हैं तो वो कोशिश करते हैं बढ़ाने की, क्योंकि समय ज्यादा रहने के है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए वो ज्यादा मैटर करेगा। तो 45:36 है और 63 का अगला क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 45 जो है इससे 36 में जाने के लिए क्या होगा, 9 45 को अगर तोड़ेंगे तो 9 5 जो 45 में तोड़ेंगे, ठीक 36 को तो 6 × 6 में तोड़ सकते हैं, पर अगर इसी को 9 संदर्भ में तोड़े तो 9 चौक 36 भी तो होता है, 9 को 5 से गुणा किया, 9 को 4 से गुणा किया, यानी कि इस 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है। 63 को क्या लिखते हैं, तो आपका 9 7 जा 63 लिखते हैं, यानी अगला क्या आना चाहिए, 9 × 6 आना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 की कमी हो रही थी, सेम यहाँ पर भी 1 की कमी होगी, 9 6 जा होता क्या 54 होता है, आंसर आपका 54 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, अब इसके लिए +2 +2 किया गया है, देखिए यू है डब्ल्यू तक आपका +2 हो गया, सब जगह +2 जो है वह यहाँ पर किया गया है, तो सेम आपको इसमें भी +2 करना है। डी से 2 आगे बढ़ेंगे, 2 आगे बढ़ेंगे, 2 पीछे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, यहाँ पर भी +2 इस संदर्भ में अच्छा लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा है तो कौन सा शब्द इसमें कूट किया जाएगा, अच्छा प्रश्न बदल दिया गया, इसीलिए यहाँ पर +2 इधर से देखना है इस तरफ वाले से, तो डी वाला हो जाएगा। बी से 2 आगे बढ़ेंगे तो आपका डी आ जाएगा, यहाँ के से बढ़ेंगे तो +2 +2 सब में ही आपको देखने को मिलेगा, एरो इधर की ओर लगा दिया, यानी इधर से उधर की ओर बढ़ना है। अगला कह रहा है कौन से शब्द को उसमें चौथा आएगा, अब इस यहाँ पर आपको तरीका बता चुके हैं, वही अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो आएगा वो आपका ये आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद आपका मिनिएचर आ जाएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद आपका आएगा मिनिस्टर वाला, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ये दे रखा है मिनिस्टर थर्ड वाला, और उसके बाद आप देखेंगे तो मिंक करके आएगा ये चौथे नंबर पे, आंसर में चौप्रस में चौथा ही आपसे पूछा गया था, बाकी तरीका इतने सेट में करा चुके हैं। अगला है 1 9, इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो 1 जो है ये आपका 1 का स्क्वायर है,
9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, आंसर आपका 81 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर श्रृंखला पूरी करनी है, अब यहाँ पर श्रृंखला क्या पूरी हो रही है देखिए, ए है फिर सी है, यानी अगला बी हो जाएगा, ए सी बी, फिर आगे सी ए सी बी सी, उसके बाद यहाँ से अगला देखिए फिर से ए सी बी सी, फिर अगला देखिए ए सी बी सी, फिर ए सी बी सी, फिर ए सी बी सी, इसी क्रम से चल रहा है, यानी आंसर यहाँ पर क्या होगा बी ए सी सी करके, यानी बी वाला ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। आपको ये देख लेना है कि जरूरी नहीं चार चार का ही पैटर्न हो, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 2 3 सबका होता है, आपको पहचानना खुद से होता है। अगला कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है बाएं छोर से 18वें, बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब बाएं छोर से मतलब ABCD के क्रम में 18 नंबर पे कौन सा आता है, तो आपका आर आता है, ABCD में देखेंगे तो आर आता है बाएं छोर से 18वें नंबर पे, एरो लगा दिया इधर साइड से, और दाएं छोर से कह रहा है 10वें, तो लास्ट से अगर 10वें देखेंगे तो क्यू आता है आपका, तो यहां पर आपका ये दाएं छोर से आता है और कौन से नंबर पे 10वें। पूछ रहा है इनके इनके बीच अक्षर कौन सा है, क्यू आर, कोई अक्षर आता ही नहीं इन दोनों के बीच में, आंसर यहां पर कोई अक्षर नहीं आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न में कुछ तत्व इस तरीके वाला भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आपको सीधे सीधे इसको अरेंज कर लेना है, अरेंज करके मैं लिख दे रहा हूँ कैसे अरेंज होगा, P बराबर M ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q और ग्रेटर देन T करके, इस तरीके से अरेंज होगा। अब जो भी इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें से सही होगा, तो आंसर यहाँ पर केवल और केवल पहला सही है, जिसमें आप देखेंगे तो M और R में, M और R में आर जो है वो बड़ा है एम से, बाकी सभी आपके यहाँ पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि 10 प्लस 10 ऐसे करके दे रखा है और बताना है कौन सा समीकरण यहाँ पर आएगा, तो 10 प्लस 10 प्लस को क्या कह रहा है कि किसको किसको चेंज किया जाता है, प्लस को जो है वो मल्टीप्लाइड से अगर चेंज कीजिए तो 10 गुणे में आपका 10, डिवाइडेड में आपका 10, माइनस में आपका 10, प्लस में आपका 10 और बराबर में आपका 0, ये आपका हमने प्लस और मल्टीप्लाइड को आपस में एक्सचेंज कर दिया, ये रहा प्लस और ये रहा आपका मल्टीप्लाइड जिसको हमने आपस में बदला है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 10 गुणे 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10 था ही आपका, ये वाला हमारा इसमें साथ चला गया -10 प्लस 10, यहाँ पर यानी कि वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 10 और प्लस का 10, अब 1 से गुणा करेंगे तो ये तो 10 ही आएगा और माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, अब एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, यानी बराबर में आपका 0 नहीं बराबर में आपका 10 चल रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पर 10 में 10 जोड़ करके 10 घटाएंगे तो 10 के बराबर 10 आ जाए, आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रकाशन को के अक्षरों को कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, तो यहाँ पर K देखेंगे और उसके बाद H देखेंगे, तो JKLMN, यहाँ पर आप देखिए एक चीज को कि जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, अपोजिट क्रम में देखेंगे तो GHIJK इस क्रम में आपको अपोजिट में दिख रहा है, यानी एरो इधर का क्रम का लगाएंगे इधर साइड का, तो ये आपका उतने ही अक्षर है जितने नॉर्मल होते हैं, तो बस इस तरीके से आपका केवल और केवल एक होना चाहिए, और ऑप्शन में कोई नहीं दिया है यहाँ पर कुछ मिस्टेक की गई है, केवल एक होगा यहाँ पर, हाँ तो यही आंसर एक वाला जो है वो हो जाएगा। अगला कह रहा है 196 169 करके, 196 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपका 14 का स्क्वायर, 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर, तो 44 किसका होता है 12 का स्क्वायर, 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर, आगे किसका होना चाहिए था 10 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 100 होना चाहिए था, 101 लिखा हुआ है, तो गलती कहाँ है इस 101 में है, यहाँ पर आपका 101 की जगह 100 होना चाहिए था। माइनस विभाजन का चिन्ह और प्लस गुणन का है इस तरीके से है, तो आपसे कह रहा है इस प्रश्न का आंसर दीजिए, जैसे 100 प्लस 5 लिखा है तो प्लस का जो मतलब है वो मल्टीप्लाइड से है लिखा है, देखिए प्लस जो है वो गुणन का है तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसे बदलना है, यानी 100 मल्टीप्लाइड 5
माइनस का किससे है? डिवाइड से है 10, गुणा का किससे है? प्लस से है 250, डिवाइड का किससे है? तो डिवाइड का माइनस से है 200। इस तरीके से इसको हमने इसको चेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से 5 दूनी, सबसे पहले डिवीजन होता है तो ये आपका आएगा 2, वो भी 1/2 आएगा, 100 और गुणे में आपका 1/2, और प्लस में आपका 250 और माइनस में आपका 200। अब यहाँ पर 2 से काट लीजिए तो 50 आ जाएगा, ये 50 और 250 जुड़ जाएगा तो 300 हो जाएगा, 300 में 200 घटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा। आंसर यहाँ से 100 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि विषम शब्द इसमें से छाटना है। तो इसमें से विषम शब्द क्या होगा? विषम शब्द आपका अपराध का आरोप हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी शब्द एक दूसरे के विलोम है। नाटा लंबा, गरीब अमीर, हल्का भारी, ये विलोम नहीं है। 28 प्रश्न है कि आशा के मेहमानों के सामने परिचय देते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है कि भास्कर को अगर हम सेंटर में रख लें, आशा के मेहमानों के सब परिचय देते हुए भास्कर कह रहा है कि उसके पिता यानी आशा के जो पिता हैं, वो खुद की बात ही कर रहा है। आशा के पिता मेरे पिता के, यानी ऊपर इनके पिता होंगे भास्कर के, और इकलौते पुत्र ही हैं, यानी वो आशा भास्कर की क्या लगेगी? बेटी लगेंगी। आंसर यहाँ पर बेटी वाला जो है वो हो जाएगा। अगला है कि भारत का महाराष्ट्र जो है वो भारत से हो जाएगा, टेक्सास जो है वो किससे संबंधित होगा? तो यूएसए से। महाराष्ट्र जो है भारत देश का राज्य है, तो ये टेक्सास यूएसए का है। लुप्त संख्या आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए, लुप्त संख्या बीच में लिखी है, ये 6 लिखा है, 6 पे कैसे आए हैं? अगर आप बाहर वाली संख्याओं को देखिए तो 6 × 5 करेंगे, 6 × 5 जा कितना होगा? 6 × 5 जा आपका 30 होगा, और 8 × 3 जा कितना होगा? तो आपका 24 होगा। यहाँ से निकल कर आया 30 और यहाँ से निकल कर आया 24, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इधर लिखा हुआ, यानी 6। 9 × 7 जा क्या होगा? 63, और 6 × 8 जा क्या होगा? 48। 63 में से 48 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 15 आ जाएगा डिफरेंस इन दोनों का। तो आंसर यहाँ पर बी वाला 15 जो है वो हो जाएगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को ये लिखा जाता है, उसी में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? डिस्प्ले के लिए देखिए, डी से बी में 2 घटा है, आई से एल में 3 जुड़ा है, एस से आपका क्यू में 2 घटा है। यानी इसी क्रम से ही चल रहा है कि पहले आपका जो है वो -2 हुआ है, उसके बाद आपका +3 हुआ है, फिर -2, फिर +3, इसी क्रम से ही आपका चल रहा है। सेम प्रोजेक्ट में भी, तो प्रोजेक्ट में आपका क्या करेंगे? सबसे पहले -2 करेंगे तो P से 2 पीछे जाएंगे तो N आएगा, N चारों में ही है। इसी प्रकार R से चेक करेंगे तो +3 करेंगे, और +3 करेंगे यानी R से 2 3 आगे जाएंगे तो U आएगा, U इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद O में सेम चीज़ चेक करेंगे तो -2 करेंगे, और -2 करने का मतलब है A वाला आंसर M वाला मिल जाएगा, आपका आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। सेम चीज इसमें भी आपको करनी थी। अगला कह रहे हैं नारंगी, इसमें डायरेक्ट देखिए, आसमान का रंग क्या है? आसमान का रंग है क्या? तो आपका नीला होता है, और नीले को कहा क्या जा रहा है? नीले को नारंगी कहा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका नारंगी हो जाएगा। डियर को ये लिखा जाता है, हाई को ये, तो सांकेतिक में हील को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर डी से यहाँ पर 1 लिखा जा रहा है, डी की प्लेस वैल्यू होती क्या है? 4 होती है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, उसमें से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। सेम चीज यहाँ पर भी 2 आएगा। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है उस प्लेस वैल्यू में से आपको 3 जो है वो घटा देना है, तो 1 जो आएगा वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम चीज हील के लिए भी चेक करिए, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 घटाएंगे तो आएगा 5। ई के लिए सेम क्या है? प्लेस वैल्यू होती है 5, उसमें से 3 घटाएंगे क्या आएगा? तो आपका आएगा 2। इसी प्रकार अगले वाले में भी आपका 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, और इसी प्रकार एल में से आपकी प्लेस वैल्यू होती है 12, और 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? आपका 9। तो 5 2 2 9 आपका आंसर यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच के संबंध को कौन इनमें से दर्शाता है? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यायाधीश अलग है, न्यायाधीश जो है वो आपका अलग है, और इसमें से जो आपका चोर और अपराधी में देखेंगे तो जो अपराधी है वो बाहर वाला हो जाएगा, और जो चोर वाला है वो अपराधी के अंदर आ जाएगा, यानी कि
अंदर वाला हो जाएगा। अपने सैम की सैर में रवि 3 किलोमीटर सूर्य की ओर चला। सूर्य की ओर 3 किलोमीटर चलने का मतलब क्या है कि वो सूर्य की दिशा में चला। दूसरी चीज यहां पर कह रहा है शाम के समय चला। शाम के समय सूरज डूबने का टाइम होता है, यानी सूरज डूबता किधर है, पश्चिम में डूबता है, यानी वो चल किस तरफ रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, यानी वो 3 किलोमीटर जो चल रहा है वो किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में जो है आपका चल रहा है। एक अब आगे कह रहा है कि वो फिर अपने बाई ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चढ़ता है, बाएं मतलब नीचे की ओर चलता है, और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है फिर से वो अपने दाएं मुड़ता है, यानी आगे की ओर मुड़ता है, और उसके बाद वापस से कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, और अंत में फिर से वो दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जितना नीचे आया था उतना वापस ऊपर चला जाता है। अब आपसे कह रहे हैं रवि किस दिशा में चल रहा है, तो ऊपर की ओर चल रहा है, यानी उत्तर दिशा में चल रहा है। आंसर आपका उत्तर दिशा यहाँ पर हो जाएगा, ये दिशा उसकी उत्तर की ओर। लुप्त संख्या इसमें बतानी है 7, 19, 4, 19। 19 देखिए कैसे आ सकता है, 7, 4, 9 क्या जोड़कर आएगा, नहीं आएगा। 7 और 4 को गुणा करिए, 7 चौक 28, उसमें से 9 घटाइए तो आएगा 19 आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका इसका हुआ है आपस में मल्टीप्लाइड, और इसमें से 9 कर दिया गया माइनस। सेम चीज 8 गुणे 5, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 12। 8 5 जो होगा 40, 40 में 12 माइनस करेंगे तो आएगा 28। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला, बीच वाला पूछा गया ना, तो सेम चीज इसमें भी आप अप्लाई कर लीजिए। तो 9 गुणे 3, 9 3 27, माइनस में आपका 6, 9 3 27, माइनस में आप करेंगे 6, और आएगा आपका 21। आंसर यहाँ पर 21 निकल करके आ जाएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। कितने इसमें त्रिभुज हैं, ये क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट में, अभी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे भी। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। तो हम एक लाइन खींच देते हैं और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने यहां से लाइन ले ली, और ये लाइन में कितने मित्र बैठे हुए हैं, 5 मित्र बैठे हुए हैं। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 लोग को बना दिया। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, दक्षिण मतलब नीचे देख रहे हैं। अब नीचे देखने का मतलब समझ रहे हैं, दायां बायां बदल जाएगा। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन को यहां पर अगर हम बैठा लें तो किसके किसके बीच में है, ये बालू के बीच में और आपका राजू के बीच में। बालू भी नाम होता है क्या किसी का। एक राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। राजू किसके निकट है, परवीन के। राजू परवीन तो इधर बैठा होगा तभी इसके जस्ट, और क्या कह रहा है, दाईं ओर। अब इस चीज को भी समझिए, राजू जो है वो परवीन के दाएं हैं, इधर तो बायां होता है, तो दायां इसलिए क्योंकि सब लोग एक्चुअल में नीचे देख रहे हैं। इस बात को भी तो समझिए, जब इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो इनका दायां बायां भी तो चेंज हो गया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसलिए प्रश्न में इस चीज को ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं तो परवीन इधर आ जाएगा। बाद में क्या कह रहा है कि परवीन के दिन आए, इसी तरह अमित जो है, अमित बालू के दाई ओर, तो बालू का दाया हो जाएगा इधर। वैसे तो इधर बाया होता है पर अब पलट गया है तो इधर अमित बैठा हुआ है। अब पूछ कह रहा है सबसे दाई ओर कौन है। अब देखिए यहां पर भी सबसे दाया पूछा गया है, तो आपको पता है दाया इधर होता है, आपका दाया हाथ जिधर होता है उधर होता है, परंतु ये सब लोग नीचे देख रहे हैं इसलिए दाया इधर होगा, यानी अमित आंसर होगा। बात समझ रहे मेरी, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में ये देख किधर रहे हैं। जैसे गोल मेज के चारों ओर बैठते हैं, अगर वो सेंटर की ओर देख रहे हैं तो दाया बाया नॉर्मल होगा, अगर वो बाहर की ओर देख रहे हैं तो मतलब दाया बाया बदल जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DHLPTX को लिखा जाता है, इसमें क्या किया, -2 किया गया, सभी में देखेंगे तो -2 -2, -2 -2 -2 -2 इस तरीके से चलता है। सी से -2 करेंगे तो आ जाएगा बी, नहीं ए आ जाएगा, ए दोनों में है। इसी प्रकार जी से -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका ये वाला, ई वाला, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। -2 सभी में जो है वो किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। गंभीर के, गंभीर यहाँ पर इस वृत्त के जरिए दर्शाया गया है, और वृत्त के जरिए इसमें क्या कह रहा है कि गंभीर भी हैं और क्रिकेट खिलाड़ी भी तो हैं, और साथ में लड़कों की भी बात की गई है, यहाँ लड़कियां हैं और लड़कों के, तो लड़के भी इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे ये वाला वृत्त भी कॉमन आ रहा है, दो वाला देखिए तीनों में कॉमन है।
इनका वाला जो ये लंबाई वाला बना है, इस क्रिकेट खिलाड़ी वाला, वो भी आपका दो आ रहा है इसमें। गंभीर वाला जो वृत्त बना है इसमें भी आ रहा है, और लड़के जो है इसमें भी दो आ रहा है, दो आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हमने आपके लिए ऊपर छोड़ा था, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीजें आएंगी नहीं। तो 12, 16, 10 या 20 में से अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। PDF आपको जो सेट की है वो वहीं पर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।